टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं और इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। जो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन वाटर और कार्बन, तो जो है दैट इज़ कार्बन, कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर। जो कार्बन है वाटर के साथ एसोसिएटेड, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और चेंज टू सच सब्सटेंस ऑन सिंपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एज हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या और पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। पॉली मीन मैनी, मैनी हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सल एल्डिहाइड एल्डिहाइडिक ग्रुप कीटोनिक एल्डिहाइडेड ग्रुप। ये और कीटोनिक ग्रुप सी आर आर, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सल ग्रुप और एल्डिहाइड मीन एल्डिहाइड ग्रुप। तो उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप हों या हाइड्रोक्सल ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप हों और चेंज हो जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और चेंज टू सच सब्सटेंस ऑन सिंपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एज अ हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जो है वो किसी और सब्सटेंस में चेंज हो जाए किसी भी सिंपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से, हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस बाय एडिशन ऑफ वाटर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ O2, एडिशन ऑफ O2, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ। तो ये जो है हाइड्रोलाइसिस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर वाटर ऐड करना और वाटर से उसकी ब्रेक डाउन करना होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन यानी हाइड्रोजन ऐड करना, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन रिमूव करना। रिडक्शन ऑक्सीजन को है रिमूव करना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को ऐड करना। रिडक्शन इलेक्ट्रॉन लेना, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये दोनों ऑपोजिट हैं और ये तीनों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों रिडक्शन की डेफिनेशन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल है, डेफिनेशंस है। शुगर सैकराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली नोन एज शुगर्स, इनको शुगर्स कहा जाता है और सैकराइड्स और सैकराइड्स भी कहा जाता है बिकॉज मोर फैमिलियर कार्बोहाइड्रेट्स हैव स्वीट टेस्ट। तो जो हमारे घरों में शुगर होता है उसका स्वीट टेस्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो है ज़्यादातर का स्वीट टेस्ट होता है, इसलिए इन्हें शुगर भी कहा जाता है और सैकराइड भी। आगे है जो है ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें सैकराइड यूनिट्स होते हैं। तो इनको क्लासिफाई किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स को किसकी बेसिस पर, नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स की बेसिस पर।
मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब है सिंगल, पॉली का मतलब है मैनी। मोनोसैकेराइड जिसमें एक सैकेराइड हो, ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 to 10 सैकेराइड हो, पॉलीसैकेराइड जिसमें 10 से ज़्यादा सैकेराइड हो। कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हेडिंग्स मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड यूनिट मोनोसैकेराइड में सिंगल है, ओलिगोसैकेराइड में 2 to 10 है, पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10 है, 10 से ज़्यादा सैकेराइड है। और जो है स्ट्रक्चर सिंपल, इसका सिंपल है, इसका लेस कम्प्लेक्स है, इसका हाईली कम्प्लेक्स है। तो इसका लेस कम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें जो है मोनोसैकेराइड एक ही सैकेराइड यूनिट होता है, इसमें ज़्यादा सारे होते हैं और इसमें उस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाइड्रोलाइसिस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, तो ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। मीन ये जब ये एडिशन अगर इनमें वाटर ऐड करें तो ये इनकी ब्रेक डाउन नहीं होती। अपॉन हाइड्रोलाइसिस यील्ड एटलीस्ट 2 to 10 मोनोसैकेराइड। तो अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस हो ओलिगोसैकेराइड की तो ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे 2 to 10 मोनोसैकेराइड में। तो इसलिए इसको कहा गया है कि इसमें 2 to 10 सैकेराइड यूनिट है, क्योंकि जब इनमें वाटर ऐड करो तो ये 2 to 10 सैकेराइड यूनिट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। पॉलीसैकेराइड मोर देन 10 हाईली कम, इसमें जब वाटर ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो है 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं और कम से कम 11 मोनोसैकेराइड होते हैं। सोल्यूबिलिटी सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। तो ये जो होते हैं वो लेस सोल्यूबल होते हैं और ये सोल्यूबल होते हैं, ये लेस सोल्यूबल होते हैं, ये इनसोल्यूबल होते हैं। वाटर में जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, ओलिगोसैकेराइड लेस सोल्यूबल होते हैं और ये इनसोल्यूबल होते हैं। तो ये सोल्यूबल नहीं होते वाटर में। टेस्ट ये इसका स्वीटेस्ट होता है, लेस स्वीट, इस ये इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते और ये टेस्टलेस, इनका टेस्ट ही नहीं होता। शेप ये क्रिस्टलाइन होते हैं और ये भी क्रिस्टलाइन होते हैं। ये इमॉर्फस, इमॉर्फस मीन शेपलेस, इनकी शेप भी कोई नहीं होती, टेस्ट भी कोई नहीं होता। रिड्यूसिंग मीन रिडक्शन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मे और मे नॉट रिड्यूसिंग, कुछ रिड्यूसिंग होते हैं कुछ रिड्यूसिंग नहीं होते। और ये नॉन रिड्यूसिंग, ये जो है रिडक्शन ही करते हैं, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं नेचर में।